ज़रा सोचिए, अगर 2020 में जिस इम्यूनिटी को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वही आपके लिए ख़तरनाक साबित हो तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है ऑटो इम्यून बीमारियों में। सोराइसिस ये एक ऐसी ही बीमारी है, ये एक ऑटो इम्यून रोग है, यानी ये इम्यूनिटी के बिगड़ने पर होता है जब खून के टी सेल्स अपनी ही त्वचा को बाहरी मानकर नष्ट करने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत विहत की। आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं त्वचा के रोग, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज सोराइसिस की। सोराइसिस चमड़ी पर होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर मोटी परत जम जाती है। सोराइसिस एक वंशानुगत बीमारी है, लेकिन ये कई दूसरे कारणों से भी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो चमड़ी की सतही परत का अधिक बनना, यानी कि जब आपकी सतही परत दर परत बनती जाती है तो वो सोराइसिस है। अब दूसरे शब्दों में कहें या आसान शब्दों में कहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब चमड़ी की बाहरी सतही परत बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है तो वो सोराइसिस है। त्वचा पर सोराइसिस की बीमारी सामान्यतः हमारी त्वचा पर लाल रंग की सतह के रूप में उभर कर आती है और स्कैल्प यानी सिर के बालों के पीछे, हाथ पांव या फिर हाथ की हथेलियों, पांव के तलवों, कोहनी, घुटनों और पीठ पर अधिक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये रोग केवल 1-2% लोगों में ही पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों में सोराइसिस की समस्या होती है वो इसे अक्सर फंगल इन्फेक्शन या दूसरी समस्याएं मानकर उनका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो सोराइसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सोराइसिस के लक्षणों को समझ पाएँ। आप सोराइसिस को सोराइसिस ही समझें और ये जानें कि ये किसी भी दूसरी तरह का त्वचा संक्रमण या स्किन इन्फेक्शन नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसके लक्षणों के बारे में पता हो। सोराइसिस में त्वचा पर सूजन, लाल चटके बन जाते हैं। इसमें शरीर त्वचा के सेल्स का ओवर प्रोडक्शन करने लगता है और ये नए सेल्स पपड़ी दर पपड़ी आपकी स्किन पर जमते जाते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इस संक्रमण का खतरा किन्हें होता है। असल में सोराइसिस लाइलाज नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सोराइसिस हो गया तो ये ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, साथ ही साथ ये संक्रमण भी नहीं है, यानी ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस की तरह सोराइसिस कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो सवाल जो उठता है वो ये कि आखिर इसके होने की वजह क्या है। तो हम आपको बताते हैं सोराइसिस के कारण। ये जेनेटिकल हो सकता है, तनाव, धूम्रपान या ज़्यादा शराब पीने की आदत, कोई पुराना जख्म, सनबर्न, वैक्सीन का प्रभाव यानी कि आपने कोई दवा या वैक्सीन ली हो जिसका दुष्प्रभाव के रूप में भी आपको सोराइसिस हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लिथीमिया या एंटी मलेरिया दवाएँ भी सोराइसिस का कारण बन सकती हैं। अब सोराइसिस क्या है, इसके कारण क्या हैं, ये किसे हो सकता है, ये सब तो जान लिया, लेकिन सोराइसिस से जुड़े हुए और जोखिम क्या हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। असल में एक अध्ययन में ये पाया गया कि सोराइसिस से पीड़ित लोगों में आत्मसम्मान की कमी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएँ भी सोराइसिस के मरीज़ों में देखने को मिली हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं सोराइसिस के प्रकार के बारे में। सबसे पहले जिस प्रकार की बात करते हैं वो है प्लाक सोराइसिस। 80-90% मामलों में प्लाक सोराइसिस ही होता है, यानी कि अगर इसी को सोराइसिस कह दिया जाए आम लोगों की बोलचाल में तो गलत नहीं होगा। इसमें कोहनी, घुटनों, लोअर बैक और खोपड़ी पर 1-10 cm के चटके बन जाते हैं। अब ये कैसे समझा जाए कि ये प्लाक सोराइसिस है या सोराइसिस का कोई और प्रकार, तो इसके लिए डॉक्टरों के अनुसार प्लाक सोराइसिस आम तौर पर आर्मपिट और जननांगों पर नहीं होता। 50% मामलों में ये खोपड़ी पर ही उभरता है। तो आप अपने सोराइसिस की समस्या को काफ़ी हद तक खुद भी समझ सकते हैं। गटेड सोराइसिस, ये 30 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। ये धड़, सर, भुजाओं और टांगों पर अधिक होता है। गटेड सोराइसिस के कारण क्या हैं, इसके कारण है टॉन्सिलाइटिस, सांस से जुड़ी परेशानियां और गले के वायरस के संक्रमण की वजह से भी ये हो सकता है। कई दवाओं का रिएक्शन भी इसकी वजह बन सकता है। अब सोराइसिस का अगला प्रकार जो है उसे कहते हैं पस्चलर सोराइसिस।
ये वयस्कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें दूर दूर पस भरे छाले हो सकते हैं और त्वचा पर लालिमा या सूजन आ सकती है। ये आमतौर पर हाथों व पैरों पर होता है। सोराइसिस का अगला प्रकार है प्लमोप्लांटर पस्चुलेसिस। ये हथेलियों और पैरों की त्वचा पर होता है। शुरुआत में इसके चकते लाल और बाद में भूरे हो जाते हैं। धूम्रपान करने वाले इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। सोराइसिस का अगला प्रकार है इनवर्स सोराइसिस। इसे हिडन सोराइसिस भी कहा जाता है। ये बगलों, छाती, प्रजननांगों पर हो सकता है। इसके ज़्यादातर मरीजों में प्लाक सोराइसिस भी हो जाता है। तो ये एक सोराइसिस आपको दूसरे सोराइसिस होने की संभावना को भी बढ़ा सकता है। अर्थडर्मिक सोराइसिस, ये एक गंभीर स्थिति है। ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़े भाग पर होती है और इसमें अक्सर बुखार रहता है और मरीज जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। ये जानलेवा हो सकता है। नेल सोराइसिस, सोराइसिस का ये टाइप हाथ पैरों की उंगलियों व अंगूठों के नाखूनों में होता है। गंभीर मामलों में नाखून उखड़ने लगते हैं। सोराइसिस के प्रकार तो आपने समझ लिए, इसके कारणों को भी आप जान गए। अब बात आती है इलाज की। तो इसका इलाज खुद से करने के बारे में तो कभी ना सोचें, घरेलू नुस्खों को भी ना अपनाएं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से बात करें, उन्हें अपनी स्थिति दिखाएं। हो सकता है कि वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दें, उससे आपको राहत मिले। या ये भी हो सकता है कि आपकी स्थिति को और परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर आपको दवाइयाँ सजेस्ट करें। अब इतनी सारी बातों के बाद जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठकर आता है वो ये कि क्या सोराइसिस से बचाव का भी कोई तरीका है? तो असल में सोराइसिस से बचाव का कोई प्रमाणिक तरीका तो नहीं है, जैसे कि डॉक्टरों ने ये कहा हो कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सोराइसिस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपने खान पान को बेहतर कर, अपनी जीवन शैली को ठीक कर, सही समय पर नींद लेकर, धूम्रपान और शराब के अधिक सेवन जैसी आदतों से बच कर, आप काफ़ी हद तक सोराइसिस के संभावना को टाल सकते हैं। तो सेहत वेहत के इस एपिसोड में हमने बात करी एक स्किन प्रॉब्लम सोराइसिस पर। अगर आप भी स्किन से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर डॉक्टर की सलाह चाहते हैं या इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।